कर लो, ठीक है। देखो आप लोग हो अब जेई एडवांस वाले पार्ट पे, तो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं आज। आप जेई एडवांस वाले पार्ट पे हो तो अब आपको क्या करना, देखो सबसे पहली बात, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। आपके बेसिक्स क्लियर हैं, जेई मेन में आपके अच्छे नंबर आए थे, ठीक, आप क्वालिफाई हो जेई एडवांस के लिए, ठीक है। तो ये कहानी तो आपकी एकदम सही है, बेसिक्स आपके क्लियर हैं, बस अब आपको क्या करने की जरूरत है वो मैं बता दे रहा हूं। आपको प्रैक्टिस और रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। आपको किसकी जरूरत है? रिवीजन की। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा। रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, जेई एडवांस के पीवाई क्यूज लगाओ। अगर आपने लगा लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाए तो पहले ये काम करो, ठीक है। जेई एडवांस के पीवाई क्यू 2006 से आप लगाना चालू कर दो, ठीक है। 2006 to 2020, ठीक है, ये आप करना चालू कर दो रिवीजन में। दूसरी चीज, ऑर्गेनिक के लिए जो प्रैक्टिस सीट आ रही है अपनी वो सॉल्व करो, ठीक है, और थ्योरी रिवाइज करो और कॉन्फिडेंस रखो, जो पढ़ाया गया उसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक। प्रैक्टिस सीट करना है प्लस लेक्चर रिवीजन, लेक्चर नोट्स रिवाइज करने हैं। आपने अपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्योरली जेईई, मैं तो आपको जेईई एडवांस का मान के चल रहा हूं, तो लेक्चर नोट्स आपको करने हैं, ठीक है। ये हो गया क्या ऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक में बता देता हूं, ये तो खैर कॉमन ही है सब में, है ना। इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री एनसीईआरटी, आपको कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, मैंने एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर बना रखे, किसके लिए? फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री, फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री एनसीईआरटी आप रिवाइज करो, ठीक है। मतलब लेक्चर रिवाइज कर लो तो सारा एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर किया है। तो इनऑर्गेनिक में आपको ब्लॉक केमिस्ट्री करनी है, ये ठीक। अब दो तीन चैप्टर जो अलग से होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। बेसिक चीजें मैंने इसमें बता दी थी, थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें मुझे बतानी है इसमें, तो एक आध लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का मैं लूंगा, ठीक है। उसमें मैं पीरियोडिक टेबल भी ले आऊंगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हटा ही देते हैं। कोऑर्डिनेशन ले लो आप यहां पर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई, इस पर फोकस होना चाहिए बियॉन्ड एनसीईआरटी, ये तीन टॉपिक है ना, सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री हो गई, मेटलर्जी हो गई, ठीक है, या आप एनसीईआरटी फोकस करना, ठीक है, ये एनसीईआरटी है आपकी, ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री, मेटलर्जी, ये सब, ठीक, ये तीन टॉपिक आपको अच्छे से करना है। सॉल्ट मैंने आपको करवा दिया है ना, अब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में एसपी मिक्सिंग वगैरह करवा दूंगा, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन तो मैंने शायद करवा दिया था आपको पूरा, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के टाइम पे और कुछ ऐड कर लेंगे क्वेश्चंस वगैरह, ठीक। क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक, बस हो गया आपका, और क्या बचा? फिजिकल में बेटा फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, फिजिकल फॉर्मूला बेस्ड है, सारे फॉर्मूले का चार्ट याद करो, पीवाई क्यूज लगाओगे तो आप उसमें समझ जाओगे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड आती है फिजिकल। मेन तो देखो आपके जेई एडवांस के लिए ये चीज है, अगर आपने इसके सवाल हिला दिए, मतलब इसके सॉल्व कर दिए, फिजिकल के तो आप बना लोगे, इतना तो कंफर्म है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ऑर्गेनिक का हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्लेडन मैंने आपको बोला है, ठीक है, तो पहले अपनी प्रैक्टिस सीरीज खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्लेडन रीडिंग करेंगे अपन, जो अच्छी अच्छी रिएक्शंस हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके सिलेबस में। पूरा क्लेडन तो कोई नहीं पढ़ता है ना, उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो करना है। एम एस चौहान मैंने डीपीपी के फॉर्म में आपको सॉल्व ऑलरेडी करवा दी है प्रयास बैच में, है ना, तो आप एम एस चौहान एक बार फिर से सॉल्व कर लो, बहुत अच्छी बुक है, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी चीजें आप मुझ पर छोड़ दो, रिएजेंट का लेक्चर आपका क्या काम है, जितना अभी आपको आता है आप ये लगाना चालू कर दो, ठीक है, बाकी एमएससी कर लो, बहुत बढ़िया। रिएजेंट का लेक्चर भी करेंगे अपन, वो भी आएगा। सर एक हेल्प हो जाती है अगर आप बाकी टीचर्स को भी कहते, वो हमारी एडवांस की चैट देख के। अच्छा, आपको इसमें मजा आएगा, क्लेडन अगर आपने अच्छे से मेरे साथ पढ़ ली ना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपसे, देखते ही सवाल बनने चालू हो जाएंगे जेई एडवांस में, है ना। और मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा, क्या मैं आपको वो बुक बताऊंगा जिसमें से
जेई एडवांस के डायरेक्ट सवाल आए हैं। अब आपको सुन के झटका लगा होगा, अरे सर जेई एडवांस के तो नए नए सवाल होते हैं, कभी रिपीट नहीं होते। बेटा कहीं ना कहीं से तो उठाते हैं ना, कॉन्सेप्ट उठाएंगे, एक बार तो सवाल ही उठा लिया था। पीटर साइक्स पढ़ते रहो अभी आप, जब तक तुम लोगों की पीटर साइक्स खत्म नहीं होगी तब तक क्लेडन चालू नहीं होगी, है ना। पहले पीटर साइक्स पढ़ो, उसके बाद क्लेडन पे आएंगे। और आपको सीधा डायरेक्ट मैच करवाऊंगा सवाल आपके सामने यहाँ पीडीएफ खोल के, कि देखो ये वाली बुक से इस वाले साल में ये सवाल आया जी एडवांस में, सबूत के साथ बात करेंगे। ठीक है, देखो ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, एडवांस के सवाल क्या छोटी चीज है। है ना, एडवांस के सवाल तो बहुत छोटी चीज है, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, ढूंढना चाहिए, है ना। कई टीचर आपने सुना होगा, अरे एडवांस वाले तो एडवांस लेवल पे सवाल पूछते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। वो टीचर वही होते हैं जो शाम को खाना खाने के बाद आराम से सो जाते हैं, सुबह उठते हैं अपना नौकरी चालू कर देते हैं। पढ़ाई यहाँ से होती है, टीचिंग यहाँ से होती है, दिल से, सुबह शाम दिन रात वो होती है टीचिंग, है ना। चले फिर आप लोग खाना वाना खाओ, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, चिंता मत करो। मेरा पहला बैच है भाई प्रयास, तो प्रयास बैच पहला बैच है मेरा, उस पर तो ध्यान दूंगा मैं। और आए किस लिए यहाँ पर, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बस यही दुआ है मेरी, और अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, कह रहे नाम बता दो सर, सस्पेंस बन रहा है। देखो बुक का नाम तो फिर भी नहीं बताया जाएगा तुम्हें, हाँ पीडीएफ खोल के बता दूंगा मैं, अब तुम पहचान लेना पेज से कौन सी बुक है। पीडीएफ तो खोल दूंगा तुम्हारे सामने। ठीक है सर, इनऑर्गेनिक का कुछ रिएक्शन एक्स्ट्रा रटना होगा क्या, और SNNGP एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल पढ़ा देंगे बेटा, है ना, आवाज मत बोलो, है आज अभी सॉल्ट एनालिसिस का मूड चल रहा है, पढ़ा देंगे, SNNGP बता देंगे। और इनऑर्गेनिक का एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है, जो कराऊंगा मैं ही कराऊंगा, आप कुछ मत करो, है ना। ठीक है, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर ओ भाई कल एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है मंजिल बैच में अपना, और भाई साहब ऐसा आ रहा है ना कि पूरे YouTube में कहीं नहीं होगा। जेई मेन से लेकर शुरू करेंगे, जेई मेन नीट से स्टार्ट होगी चीजें बिल्कुल बेसिक से, और सीधा जंप कर जाएंगे अपन जेई एडवांस पे। जेई एडवांस के लगभग लगभग PYQs आपको करवा दिए जाएंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से लेकर सबकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अगर आपकी पहले, देखो एक काम करो, आप उतना टाइम खराब मत करो, है ना, ऐसा नहीं कि आप आ गए देखने के लिए, लेक्चर पूरा देखे जा रहे हो, लंबा लेक्चर होगा। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद टाइम स्टैम्प आता है, ठीक, जो जो टॉपिक तुम्हारे वीक हो वो पढ़ लेना। ठीक है, बाकी अपनी एडवांस की तैयारी करना, ऐसा नहीं कि भाई बैठ गए देखने के लिए। ठीक है, देखो मेन चीज तो तुम्हें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में समझना होगा, ठीक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में अच्छे से समझना होगा तुम्हें, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी चीजें तो फॉर्मूला बेस्ड ही होती हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, टाइम स्टैम्प मिलेगा तो टाइम स्टैम्प में जाना, जो जो टॉपिक आपके कमजोर हो कर लेना, जरूरी नहीं कि आप लाइव में आओ, आप अपनी पढ़ाई करो, है ना। ठीक है, क्लियर है, चलो भाई अब मुलाकात अब अपन से होगी बाद में। हीटिंग इफेक्ट की तो खैर मैंने PDF आपको दे दी है, है ना। चलो भाई इतना काफी ज्ञान है आज के लिए। बेटा ग्राफ की तो ऐसी ट्रिक आएगी ना, अरे मजा आ जाएगा तुम्हें, देखते ही आंसर बताने लगोगे, और अपने छोटे बच्चों को भी सिखाओगे कि बेटा ऐसे करते हैं सवाल, 1S का ऐसा होता है, 2S का ऐसा होता है, 2P का ऐसा, 3D का ऐसा। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए आ जाना, मतलब आ क्या जाना, जब वीडियो खत्म हो जाएगा, जब वीडियो खत्म हो जाएगा ना, यही खत्म हो गया, जब वीडियो खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद देख लेना, टाइम स्टैम्प डाल देंगे, आराम से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, चलें फिर, चलो बेटा मुलाकात करते हैं फिर, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।